सो गाइस आज हमारे पास स्कोडा के रैपिड, आज हम इसका खोलने वाले डोर पैनल। तो मैं इसमें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या रहा है। यहाँ से ये जो स्विच है यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रही है, वो स्विच ऊपर ऊपर निकल जाती है, नीचे होता है लेकिन ऊपर जाने के लिए दिक्कत देता है। ये देखिए अभी यहाँ से कर रहा हूँ लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा, और यहाँ से करूँगा तो ये जाता है। अभी देखिए यहाँ से करूँगा तो ये जाता है, वैसे वो ऊपर ऊपर निकल जाती है लेकिन हमको स्विच का मतलब अंदर का और थोड़ा काम है, इसलिए करके पैनल खोलूँगा मैं। तो पैनल खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, 3 बोल्ट पर पूरा पैनल है। तो सबसे पहले चलो अभी इसका ये कवर निकालेंगे, इसके अंदर अपने को बोल्ट मिलेगा क्योंकि इसी के अंदर 2 रहते हैं, बाकी के एक नीचे साइड में रहता है। तो अभी ये कवर ऐसा एकदम इजी आराम से निकाल लें, प्रेस लॉक रहता है वो। ये देखिए अभी एक यहाँ पे और ये दूसरा यहाँ पे, ये 2 स्क्रू निकालेंगे और एक नीचे के साइड में रहेंगे। तो ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे ये 2 स्क्रू, ये 2 ऊपर के और ये एक नीचे का, ये 3 स्क्रू निकालेंगे तो वो अपना बाहर आ जाएंगे पैनल, ये 2 अंदर रहता है और ये जो पट्टी रहती है इसको संभाल के निकाले बस। अभी देखिए ये अभी हमने निकाल दिया है, अभी इसको जस्ट ऐसे बाहर की साइड में खींचेंगे और वो आ जाएगा बाहर। ये देखिए ये निकल गया, अभी ऊपर के साइड में ऐसा वो करके निकाल लेंगे। तो अभी ये निकल जाएगा हमारा, तो बस उसके बाद फिर स्विच और बाकी का हमारा छोटा मोटा काम है। ये पैनल निकालने के लिए मैं वीडियो बना दिया, मतलब बाकी लोगों को अगर तकलीफ होती रहेंगे, पता नहीं चलता वो बोल्ट किधर है, तो इसलिए करके वो कवर निकालने का उसके अंदर से पूरा निकल जाता है। अभी इसको भी निकालने के लिए जस्ट ये साइड से एकदम सिर्फ खींचने का, अब ये कैसे एकदम जाम हो गए, तो ये निकाल के बाकी ये भी निकल जाता है।